जय माता दी। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हम भारतीयों को अपनी संस्कृति और परंपरा पर हमेशा गर्व है, चाहे वो हमारी वेशभूषा हो, हमारे खान पान हो या हमारा सादा जीवन एवं उच्च विचार की परंपरा हो, यानी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की फिलॉसफी हो। इन सब से जो प्रमुख है वो है हमारे त्यौहार, यानी हमारे फेस्टिवल्स। त्योहारों की तो बात ही कुछ अलग होती है ना? मेरा नाम सरस्वती है और आप सबका मेरे कार्यक्रम मंथन विद सरस्वती में स्वागत है। आज का ये मेरा कार्यक्रम माता रानी के चरणों में समर्पित है। हमेशा की तरह मेरे साथ सविता तिवारी, अर्चिता चक्रवर्ती और भूषण राय बोले जुड़ रहे हैं। इन सबका मैं स्वागत करती हूँ। COVID-19 महामारी के प्रकोप एवं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए नवरात्रि का तीसरा दिन आइए मेरे साथ जूम के माध्यम से मनाते हैं। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित रहकर माता रानी का गुणगान करते हुए, गरबा करते हुए, हमारे भजन एवं गानों के संग अपनी आवाज मिलाते हुए धूमधाम से शामिल होंगे। तो आइए मेरे साथ सब जोर से मिलकर बोलिए, जय माता दी, जय माँ शेरावाली, जय माँ दुर्गे। मंदिर माही पूजा माँ से पढ़ के कोई न दूजा, माही मंदिर माही पूजा माँ से पढ़ के कोई न दूजा, माही मंदिर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जकार्ता में नवरात्रि का ये जो जश्न हम सालों से मनाते आ रहे हैं, ये 1983 में शुरू हुआ था और इसकी बुनियाद यानी फाउंडेशन जिन्होंने दी थी वे हैं महेंद्र भाई, दीनू भाई जसनानी, सुरेश भाई शाह, प्रदीप मुचला, नरेंद्र कपाड़िया, हरीश पटेल, विजय भाई और हिकेश। ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने इस परंपरा की शुरुआत की थी। हम इनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि इन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर हम आज भी उसी धूमधाम से नवरात्रि का त्योहार मना रहे हैं जिस उत्साह उमंग से इन्होंने शुरू किया था। वैसे आप सब तो जानते ही होंगे, नवरात्रि जो है हिंदुओं का त्योहार है। नव यानी नौ, रात्रि यानी रात, नौ रात्रि। नवरात्रि का ये जो त्योहार है ना, हम नौ दिनों तक दुर्गा माता के नौ रूपों या अवतार की पूजा करते हैं और हर रात एक अलग अलग देवी की पूजा होती है। दोस्तों, क्या आप ये भी जानते हैं कि नवरात्रि का ये जो पर्व है साल में दो बार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और वैसे कहते हैं कि इसे पांच बार भी मनाया जाता है। वैसे अक्टूबर नवंबर में जो हम नवरात्रि मनाते हैं ना, उसकी रौनक ही अलग होती है और उसे हम शरद नवरात्रि भी कहते हैं। चलिए, वैसे हमारे हर फेस्टिवल का जो मुख्य एम होता है या ध्येय होता है वो हमें ये सिखाते हैं कि अच्छाई हमेशा जीवित रहती है, बुराई हमेशा मिट जाती है। तो बुराई पर अच्छाई की जीत और गुड ओवर ईविल जो है हमें हर त्योहार सिखाते हैं। जो हमारे नन्हे मुन्ने जो मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं नवरात्रि के बारे में, चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। सुनना चाहोगे ना आप लोग? तो कई हजार साल पहले महिषासुर नाम का एक राक्षस था। वो बड़ा क्रूर था और उसका आधा शरीर राक्षस का और आधा शरीर भैंसे का था। भैंसा माने बफेलो। उसने कई वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की, कठिन तपस्या, ऐसी वैसी तपस्या नहीं, कठिन तपस्या। तो एक दिन ब्रह्मा जी महिषासुर की तपस्या पर प्रसन्न हो गए और वो प्रकट हुए। वो आ गए और उन्होंने कहा, हे महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं,
मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। मांगो, क्या चाहिए? महिषासुर को तो इसी पल का इंतजार था। तो उसने कहा, हे प्रभो, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इन तीनों लोकों में, यानी तीन लोक कौन कौन से हुए? धरती, आकाश और पाताल। तो ये तीनों लोकों में कोई किसी भी देवता या मानव के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। महिषासुर तो वैसे ही बहुत घमंडी और अत्याचारी था। उसने देखते ही देखते देवताओं पर आक्रमण किया और उनकी जगह ले ली और उन पर कब्जा कर लिया। तो सभी देवता जो है महिषासुर की इस क्रूरता को देखकर बहुत दुखी एवं परेशान हो गए। सबने मिलकर एक उपाय किया और वे भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव इनकी शरण में चले गए। और सभी देवताओं ने मिलजुल कर इस महिषासुर की समस्या का हल ढूंढने का प्रयास किया। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तेज पुंज से एक देवी का निर्माण हुआ। इसी देवी को हम सब आदिशक्ति माता दुर्गा के नाम से जानते हैं। माता के उत्पन्न होने के बाद सभी देवताओं ने एक एक तोहफा दिया और अनेकानेक अस्त्रों और शस्त्रों से सुसज्जित किया माता को, जैसे शंख चक्र दिया, गदा दिया, धनुष बाण आदि। माँ जो है इन सब शस्त्रों से सुसज्जित होकर अब अपने जो उन्होंने जो अवतार जो लिया था उसको अंजाम देने के लिए महिषासुर की नगरी की ओर चली। और जब अत्याचारी महिषासुर को इस बात का पता चला तो वो माँ दुर्गा से मिलने के लिए अधीर हो उठा और मचल उठा, वेरी एक्साइटेड टू मीट हर। तो देवी की सुंदरता को देखा उसने, शी वाज सो ब्यूटीफुल। माँ की उस सुंदरता को देखकर उसने माँ से शादी करने का आग्रह किया, यानी रिक्वेस्ट किया कि भाई यू गेट मैरिड टू मी, मुझसे शादी कर लो। तब माता दुर्गा ने कहा, हे असुरों की राजा, मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगी, परंतु उससे पहले मुझसे युद्ध करना होगा। अगर मैं युद्ध में हार गई तो तुमसे विवाह कर लूंगी। महिषासुर ने हंसकर कहा, ठीक है देवी, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। इसके बाद महिषासुर और माता दुर्गा के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ। महिषासुर काम, क्रोध, मद, लोभ का अधीन हो गया था। उसे पता ही नहीं चला कि वो एक दैविक शक्ति से जो है वो लड़ रहा है। उसकी विवेक शक्ति खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसने माँ दुर्गा जैसी शक्ति से भी युद्ध करने की सोच ली। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच में 10 दिनों तक युद्ध हुआ। माँ दुर्गा तो माँ काली का अवतार थी, इसीलिए महिषासुर का हर प्रहार जो है उसको उन्होंने निरर्थक किया, हर अस्त्र को नाकाम कर दिया। अंत में 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और देवी देवता अति प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ पर पुष्प की वर्षा की। तो ये कहानी थी नवरात्रि को लेकर। तो आई एम श्योर माय लिटिल वंस वुड हैव एंजॉयड। तो नवरात्रि के दिन जो है हम जगत जननी माता दुर्गा की पूजा करते हैं बच्चों, उनकी आरती गाते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं। तो यह कहानी नवरात्रि की आपको अच्छी लगी होगी ना दोस्तों? दोस्तों, 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा की जाती है, ये मैंने आपको बताया था। प्रथम दिन जो है माता शैलपुत्री का रूप, या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता शैलपुत्री को हेमावती तथा पार्वती के नाम से जाना जाता है। वृषभ की सवारी करने के कारण वृषारूढ़ा के नाम से भी बुलाया जाता है। माँ का यह शैलपुत्री रूप सभी भाग्य का प्रदाता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, या देवी सर्वभूतेषु
माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता ने इस रूप में यानी ब्रह्मचारिणी रूप में फल फूल के आहार से 1000 साल व्यतीत किए थे। 3000 वर्ष तक उन्होंने शिव की उपासना की थी, विल्व के पत्तों का आहार किया। अपनी तपस्या को और कठिन करते हुए माँ ने विल्व पत्र भी खाना छोड़ दिया था और बिना किसी भोजन और जल के अपनी तपस्या को जारी रखा। माता के इस रूप को अपर्णा के नाम से भी जाना जाता है। माँ के इस पावन रूप में इनके दाहिने हाथ में जप माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करके हुए नजर आती हैं। तीसरा दिन यानी आज का दिन जो है वो है माता चंद्रघंटा। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहते हैं यह देवी पार्वती का विवाहित रूप है। भगवान शिव से विवाह करने के बाद देवी महागौरी ने अर्धचंद्र से अपने माथे को सजाना प्रारंभ कर दिया था, जिसके कारण देवी पार्वती को देवी चंद्रघंटा के रूप में भी जाना जाता है। ये माता शांतिपूर्ण मुद्रा लिए अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। चौथे दिन माता कुष्मांडा। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी कुष्मांडा सूर्य के अंदर रहने की शक्ति और क्षमता रखती हैं। इनके शरीर की चमक सूर्य समान ओजस्वी है। इन्हें अष्टभुजा यानी 8 हाथों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। ये माता शेरनी पर सवार है या गंभीर रूप धारण किए हुए दिखाई पड़ती हैं, सबका मंगल करती हैं। पांचवा दिन माता स्कंद माता। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब देवी पार्वती भगवान स्कंद की माता बनी तब उन्हें स्कंद माता के रूप में जाना गया। भगवान स्कंद जो हैं इन्हें भगवान कार्तिकेय के रूप से भी जाना जाता है और ये भगवान श्री गणेश के छोटे भाई हैं। स्कंद माता कमल के फूल पर विराजमान है, अतः इन्हें देवी पद्मासना के नाम से भी जाना जाता है। जो भक्त देवी के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें भगवान कार्तिकेय की पूजा करने का लाभ मिलता है। यह माँ का मातृत्व रूप है। छठे दिन माँ कात्यायनी। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ पार्वती ने राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए देवी कात्यायनी का रूप धारण किया। यह देवी पार्वती का सबसे रौद्र रूप है। इस रूप में देवी पार्वती को योद्धा देवी के रूप में भी जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार देवी पार्वती का जन्म ऋषि कात्याय के घर में हुआ था, तो इन्हें इनका नाम कात्यायनी पड़ा। सातवां दिन जो है माँ कालरात्रि। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता पार्वती ने शुंभ और निशुंभ ये 2 राक्षस थे, इनका वध करने के लिए अपनी बाहरी सुनहरी त्वचा को हटाकर देवी काल रात्रि का रूप धारण किया था। यह माता का उग्र और अति उग्र रूप है। यह देवी माँ अपने क्रूर रूप में भी शुभ या मंगलकारी शक्ति के कारण देवी काल रात्रि को देवी शुभमकरी के रूप में भी जाना जाता है। अब चलते हैं आठवें दिन माता महागौरी। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 16 साल की उम्र में शैलपुत्री अत्यंत सुंदर थी। अपने गौर यानी श्वेत वर्ण के कारण इन्हें महागौरी के नाम से भी जाना जाता है। देवी महागौरी की तुलना शंख चंद्रमा से भी की जाती है। महागौरी सफेद वस्त्र धारण करती है, अतः इन्हें श्वेतांबर धरा के नाम से भी जाना जाता है। नवे दिन माँ सिद्धदात्री। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति की सर्वोच्च देवी माँ आदि पराशक्ति भगवान शिव के बाएं आधे भाग में सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। यह देवी भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। यह माता सिद्धिदात्री केवल मनुष्यों द्वारा नहीं बल्कि देव गंधर्व असुर यक्ष एवं और सिद्धों द्वारा भी पूजी जाती हैं। माँ सिद्धिदात्री शिव के आधे भाग में प्रकट हुई, तब शिव को अर्धनारीश्वर का नाम दिया गया। ये माता कमल पर विराजमान है। इस प्रकार दोस्तों 9 दिन 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ पार्वती का कोई भी रूप हो, सभी रूपों में माँ अपने भक्तों का उद्धार करती है, चाहे वो शैलपुत्री के रूप में हो, चाहे माँ कात्यायनी का रूप हो, चाहे वो माँ कालरात्रि का रूप हो, चाहे वो सिद्धिदात्री का रूप हो। बस माता की जय जयकार कर भक्ति की भावना में लीन हो जाते हैं। आइए सविता तिवारी की आवाज में हमें भजन सुन लेते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब तारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब तारी तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीर पड़ी है भारी, भीर पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी। तेरे भक्त जनों पर माता भीर पड़ी है भारी, भीर पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी। सौ सौ सिंहों से बलशाली है, दस भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब तारी तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुनी है पर ना माता सुनी कुमाता, माता सुनी कुमाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुनी है पर ना माता सुनी कुमाता, माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख निवारती। ओ मैया हम सब तारी तेरी आरती।
लूटे धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को सवारती। ओ मैया हम सब तारी तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे पक्कर वाली, तेरे ही गुण गाई भारती। ओ मैया हम सब तारी तेरी आरती। ओ मैया हम सब तारी तेरी आरती। ओ मैया हम सब तारी तेरी आरती। नवरात्रि का पर्व भारत में सभी राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। अनेकता में एकता की बात यहाँ पर बहुत ही सटीक उतरती है। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र में गोलू रखने की परंपरा है। देवी की आराधना के लिए लोग घरों में छोटी बड़ी मूर्तियाँ सजाते हैं। आजकल नए नए रूपों में भी इसे सजाया जाता है। इसको एक थीमेटिक रूप देकर नई नई जानकारी देते हुए मूर्तियों को बहुत ही सुंदर रूप में सजाया जाता है। हर घर में गोलू बड़े हर्ष और उल्लास के साथ रखते हैं। कर्नाटका में एक बात बड़ी खास होती है। मैसूर का जो राजमहल है, खास तौर से दशहरे पर उसकी लाइटिंग की जाती है, जो बहुत ही खास है कर्नाटका में। केरला में नवरात्रि के आखिरी तीन दिन यानी अष्टमी, नवमी और दशमी यानी दशहरा का खास महत्व है। ये दिन माँ सरस्वती, जो विद्यादात्री है, के चरणों में अपनी किताबें रखते हैं और इन्हें दशहरा के दिन उठाते हैं। अच्छी बुद्धि, सुविचार एवं कामयाबी की प्रार्थना करते हुए माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। अब चलते हैं गुजरात की ओर। गुजरात में नवरात्रि का उत्सव सबसे भव्य और सुंदर रूप में देखने को मिलता है। नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा गरबा महोत्सव का आयोजन होता है और बड़ोदरा में, जहां तक हमने जाना है, बड़ोदरा में हर रोज 4-5 लाख लोग गरबा नाचने के लिए एक स्थान पर इकट्ठा होते थे। अब कोविड का टाइम है तो लोग घर पर ही मनाएंगे। अब लेट्स सी कि वहां पे कैसे मनता है ये। जब सबके मन में भक्ति की भावना उठती है तब मन एक अलौकिक आनंद प्राप्त करता है। नवरात्रि में तो बस कदम भी माता की भक्ति में झूम उठते हैं। ये भजन सुन ले।
बंगाल की दुर्गा पूजा दुनिया में सबसे प्रसिद्ध है। नवरात्रि के लिए खास तौर पर पंडाल तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर 9 दिनों तक माँ दुर्गा और नारी शक्ति की आराधना करते हैं। विशेष आरती भी होती है और इन पंडालों में तो देवी दुर्गा के 9 रूपों की मूर्ति रखी जाती है। लोग माँ दुर्गा के दर्शन करते हैं और इस त्योहार का आनंद उठाते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है यह त्योहार। आइए अभी भजन सुन लीजिए, देवी माता को समर्पित है अर्चिता की आवाज में। शुरू मुर्दी जाए मधुर दूर
प्रदेश और उत्तराखंड में तो इसकी रौनक ही अलग होती है। यहाँ पर देवी माँ की मूर्ति स्थापित की जाती है, आरती होती है, भजन होते हैं और साथ ही साथ कलाकार जो है, यहाँ पे खास बात क्या है कि कलाकार रामलीला की प्रस्तुति करते हैं। और इस रामलीला में भगवान श्री राम लंका के राजा रावण का वध करते हैं। 9 दिन तक रामलीला के मंचन के बाद दशहरा यानी 10वें दिन के मौके पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। इस पे अगेन असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। जब माँ की भक्ति में तन मन झूम जाता है ना, तब इच्छा होती है कि माँ अगर दर्शन दे जाए तो कैसा हो। आइए देखें कैसा हो। दर्श दिखा दे माते, दर्श दिखा दे, दर्श दिखा दे माते, दर्श दिखा दे, आया तेरे द्वार अम्बे, दर्श दिखा दे, आया तेरे द्वार अम्बे, दर्श दिखा दे, दर्श दिखा दे माते, दर्श दिखा दे, दर्श दिखा दे माते, दर्श दिखा दे, आया तेरे द्वार अम्बे, दर्श दिखा दे, आया तेरे द्वार अम्बे, दर्श दिखा दे। दर दर भटक रहा हूँ जग जननी, कृपा दृष्टि कर दे तू मुझ पे जननी, दर दर भटक रहा हूँ जग जननी, कृपा दृष्टि कर दे तू मुझ पे जननी, माया मोह बंधन से मुक्ति दिला दे, माया मोह बंधन से मुक्ति दिला दे, आया तेरे द्वार अम्बे, दर्श दिखा दे, आया तेरे द्वार अम्बे, दर्श दिखा दे। महिमा निराली तेरे दिन रात गाते, निश दिन आरती उतारो तेरी माते, महिमा निराली तेरे दिन रात गाते, निश दिन आरती उतारो तेरी माते, डूबे नाही नैया मैया पार लगा दे, डूबे नाही नैया मैया पार लगा दे, आया तेरे द्वार अम्बे, दर्श दिखा दे, आया तेरे द्वार अम्बे, दर्श दिखा दे। पंजाब में लोग 7 दिन तक व्रत करते हैं, जगराते का आयोजन किया जाता है, देवी दुर्गा के पूजन के साथ 8वें दिन 9 कन्याओं को भोजन कराने के बाद व्रत खोला जाता है। इन कन्याओं को दान और लाल चुनरी भेंट की जाती है। तो
तो इस प्रकार आप देखते हैं ना कि हम अनेकता में एकता को लेते हुए, माता रानी के चरणों में अपने आप को अर्पित करते हुए, विविध रूपों में हम इस नवरात्रि त्योहार का आनंद उठाते हैं। नवरात्रि के दौरान एक खास बात और भी है, देवी माता के लिए उपवास करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, हमारी जो वेशभूषा है उसके भी रंग होते हैं। आपको पता है कपड़ों के अलग अलग रंग, जैसे पहले दिन पीला रंग पहन लेते हैं, दूसरा दिन जो है हरे रंग के कपड़े पहन लेते हैं, तीसरे दिन ग्रे कलर के कपड़े पहन लेते हैं, चौथे दिन जो है वो ऑरेंज मतलब भगवा रंग पहन लेते हैं, पांचवें दिन स्कंद माता के है तो व्हाइट कलर पहन लेते हैं, माँ कात्यायनी के लिए लाल रंग का पहन लेते हैं, माँ कालरात्रि के लिए नीला रंग शुभ माना जाता है, महागौरी के लिए गुलाबी रंग जो है अच्छा माना जाता है, माँ सिद्धदात्री के लिए पर्पल कलर यानी बैंगनी कलर माना जाता है। दोस्तों नवरात्रि के ये 9 दिन माँ के चरण कमलों में समर्पित है। उपवास कर हम पूरी भक्ति और श्रद्धा से नतमस्तक हों, अपने जीवन की मंगल कामना कुछ ऐसे करते हैं। पॉडकास्ट को समाप्त करने से पहले मैं अर्चिता चक्रवर्ती
भूषण राय बोले और सविता तिवारी को धन्यवाद देना चाहूँगी। म्यूजिक बिठाने के लिए कार्तिक को धन्यवाद देना चाहूँगी और जिन्होंने वीडियो एडिटिंग में मेरी सहायता की है उनको तहे दिल से शुक्रिया करते हुए नवरात्रि कमेटी के सभी सदस्यों को जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित कर अपने इस कार्यक्रम को माता रानी के समक्ष प्रस्तुत करने में मुझे प्रोत्साहित किया है उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और मेरी खास या स्पेशल प्रार्थना माँ से यही होगी कि जिस प्रकार उन्होंने महिषासुर का वध कर लोगों में सुख समृद्धि को स्थापित किया ठीक उसी प्रकार कोरोना जैसे दैत्य को कोरोना जैसे राक्षस को इस पृथ्वी से दूर कर हम आम लोगों में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य को बनाने में हमारी मदद करे। बस अंत में जाते जाते यही कहना चाहूँगी मैया की कृपा हम सब पर सदा बनी रहे कि समस्त जग में हर प्राणी सुखी एवं स्वस्थ रहे लोग सुखी संपन्न रहे। मैं इजाजत चाहूँगी धन्यवाद। जय माता दी जय माँ शेरावाली जय माँ दुर्गी।